पैठनी साड़ी और सिल्क साड़ी आती है, उसमें ब्रैकेट पैठनी आती है, लाख लाख सवा सवा लाख। भाई ये नींबू शिकंजी है, देखिए यहाँ पे किसमिस मिल रहा है और एक ईश्वर यहाँ से 80 किलोमीटर अभी दिखा रहा है और नासिक। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज 1 अप्रैल और कुछ इस तरह से आश्रम था, बहुत ही बड़ा आश्रम, वहाँ भी मंदिर है और ये गौशाला है और यहाँ भी मंदिर है और ये धर्मशाला टाइप का है और मैं यहाँ पे ही टेंट लगाया था जैसा आपने रात में देखा। तो यहाँ पे नहाने का है लेकिन अभी पानी बहुत ठंडा है तो रास्ते में कहीं नहा लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, खड़ा है महादेव का नाम लेके। आगे हाईवे पे जस्ट वही आश्रम था, बस हाईवे से जस्ट पास ही और हमको चलना है इधर इस साइड पे, तो चलिए चलते हैं आगे। नासिक अब टोटल 100 किलोमीटर, मुंबई 285 किलोमीटर, ये वाला 18 किलोमीटर वाला मार्केट है। तो चलिए 100 नासिक है, नासिक से नासिक सिटी से 20-25 किलोमीटर दूर पे बाबा जी है, अब ज़्यादा दूर नहीं है, चलते आगे। बज गए 9:30 और अभी नासिक जो है लगभग 85 किलोमीटर के आसपास है। तभी तक मुझे एक ये दिखा मंदिर व भक्त निवास, जो कि इधर आश्रम भी है, श्री जगदम्बा देवस्थान ट्रस्ट, और ये पड़ेगा आपका कोटम गांव। ये कोटम गांव है, जस्ट स्टेट जाना है, पता नहीं कितना किलोमीटर है, वैसे मुझे जाना तो है नहीं, दोपहर होता तो भी आराम करने पहुँच जाता, लेकिन अभी कोई भी वजह नहीं है जो जाऊँ। तो यहीं से माता जी का दर्शन कर ले रहे हैं, आप भी दर्शन कर लीजिए, हम चलते हैं इधर से। अब रास्ता थोड़ा ठीक हो गया है, थोड़ा सुन नसान वाला रास्ता है, हाईवे है लेकिन बढ़िया है, तो चलते आगे। मार्केट में पहुंच गए हैं और कुछ इस तरह से बहुत बड़ा सा मार्केट है, मुझे लगा कोई विलेज टाइप होगा, और ये नासिक डिस्ट्रिक्ट में लगता है। मैं नासिक पहुँच चुका हूँ, नासिक सिटी नहीं हूँ लेकिन नासिक डिस्ट्रिक्ट पहुँच चुका हूँ। तो इधर नींबू शिकंजी पीने जा रहा हूँ, वही पी के फिर यहाँ से निकलता हूँ। कुछ इस तरह से भाई ये नींबू शिकंजी है जो कि 15 रुपये का एक ग्लास है। हमें पता नहीं था हम जिस जगह पे है, येवला है जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट में आता है, और कुछ इस तरह से यहाँ पे बोर्ड देखा तो मुझे पता चला ये जो येवला है साड़ी के लिए फेमस है, सिल्क साड़ी यहाँ बनता है। सिल्क साड़ी कुछ बता सकते हैं आप क्या 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 बोल रहे थे आप? सिल्क पैठनी साड़ी और सिल्क साड़ी आती है, उसमें ब्रैकेट पैठनी आती है, लाख लाख सवा सवा लाख की साड़ी खरीदती है। अच्छा अच्छा, यहाँ से मतलब पूरा ये साड़ी के लिए फेमस है? पूरा साड़ी के लिए फेमस है भाई। अच्छा जगह है यार, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा पहले स्टार्टिंग में फिर कोई ऐसा गांव टाइप होगा, फिर पता चला कि सिटी है जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, तो बहुत ही फेमस ये लोकेशन है। तो चलिए अभी निकलते हैं। तो बच गया भाई 1 और अभी तक मैं कहीं खाना भी नहीं खाया हूँ और आज नहाया भी नहीं हूँ अभी तक, और कुछ इस तरह से लोकेशन था। तो एक नीम का पेड़ छोटा सा दिखा और थोड़ा इधर छाँव है, कहीं पर रुक गए हैं। इतना भयंकर धूप है कि हालत ख़राब हो जा रहा है आज, तो सोच रहे कुछ टाइम इधर ही बैठे उसके बाद निकलेंगे। देखिए अब दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, ऐसे ही है, पूरा ये झाड़ टाइप का है। हाईवे पे इधर भी ऐसे ही कंडीशन था, पूरा झाड़ झाड़, कोई दुकान वकान कुछ नहीं, खाने का दुकान नहीं दिखा। अभी मैं चेक किया तो एक होटल है, देखते हैं वहाँ मिलते हैं कि नहीं। ज़्यादातर दोपहर में बंद रहता है, शाम को ओपन करते हैं लोग। अब भूख भी बहुत तेज से लगा है, नहाना भी है, बिना नहाए गर्मी में हालत ख़राब हो जाता है, तो चलिए निकलते हैं। एक था ढाबा जो कि धूप के कारण भी बंद था, और इस तरह से फिर से वही हाल, सूखा सपाटा। आगे 3 किलोमीटर पे एक पेट्रोल पंप है, देखते हैं उसके अगल बगल कुछ होगा कि नहीं, शायद आई आगे कुछ है, देखते हैं मिल जाए यार। 2 बजने वाला है, भूख बहुत ज़ोर से लगा है। देखिए यहाँ पे किशमिश मिल रहा है और एक काले जामुन वाला किशमिश है और ये वाइट वाला किशमिश है, इस तरह से 180 रुपये किलो, दोनों मिक्स करके आधा किलो लिए हैं। अंगूर कैसे कैसे 60 रुपये केजी बताए थे ना? अच्छा, यहाँ पे भाई इसका अंगूर का खेती बहुत ज़्यादा होता है, उधर पूरा पेड़ लगा है उधर, इसको उस तरफ यही लेते हैं। अभी होटल नहीं मिला है तो कम से कम कुछ खाते चले।
शाम का भाई 3 बज चुका है और आज तो खाना हुआ ही नहीं, तो अंगूर ले लिए हैं, किशमिश ले लिए हैं, वही सब खा के काम चलाएंगे। अब शाम को जो खाएंगे, अब खाने का टाइम ख़त्म। तमकेश्वर यहाँ से 80 किलोमीटर अभी दिखा रहा है और नासिक 52 किलोमीटर, क्योंकि अभी 3 बज रहा है, तो अगर मैं 4 बजे निकलूँगा तो 20 किलोमीटर और जाऊँगा, तो कल शाम तक मैं पहुँच सकता हूँ, कल शाम तक पहुँचूँगा। मुझे लगा कल दर्शन हो जाएगा, लेकिन मुश्किल ही है क्योंकि उधर भी पहाड़ी रहेगा, 2-3 किलोमीटर, तो 2-3 किलोमीटर पैदल ही चलना पड़ेगा, ऐसा कुछ है अभी मुझे तो पता नहीं है, लोग बता रहे थे, फिर चलने के बाद पता चलेगा। थोड़ा आप 1 घंटा यहाँ आराम करेंगे, सुबह से आराम किए नहीं आज, तो आराम करने के बाद ही आज चलेंगे। 4:30 बज गया, निकलते हैं यहाँ से, और लगभग 50 किलोमीटर से ज़्यादा अभी नासिक बचा है, नासिक सिटी, तो 20 किलोमीटर के आसपास अभी चलाएंगे, तो कल रहेगा 30, और लगभग 55-60 किलोमीटर मंदिर बचेगा, तो मंदिर आराम से कल पहुँचने का कोशिश करेंगे। तो आज नासिक अगर सिटी जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा सिटी में, तो कम से कम 20 किलोमीटर जाएंगे। और चलो, 5:30, और यहाँ से अभी 20 किलोमीटर के पास नाम का जगह है जहाँ पे श्री स्वामी जनार्दन महाराज का आश्रम है, जहाँ पे रहना खाना सब कुछ है, मेरे लिए व्यवस्था किया गया है, तो देखते हैं वहाँ तक पहुँच पाते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी 5:30 बज भी रहा है और टोटल दूरी जो है 20 किलोमीटर का है, और एरिया भी देख लीजिए कैसा है भाई साहब, टोटल फॉरेस्ट भी है, इसलिए इतना आसान भी नहीं है पहुंचना। अगर मैं वहां तक पहुंच जा रहा हूं तो कल आराम से नासिक क्रॉस करके बाबा जी के यहाँ पहुँच जाऊँगा, क्योंकि मैं शहर में जाने का मतलब प्रॉब्लम में फंस जाऊँगा, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। इस तरह से लोकेशन है, धीरे धीरे शाम होने वाली है और ये पूरा थोड़ा सा गाँव टाइम में ही है, और ये जितना सूखा पेड़ देख रहे हैं सब अंगूर का पेड़ है, जो कि ये सूखा नहीं है, इसका पत्तियां काट दिया गया है, बाद में फिर हरा होके फिर फरेगा। सिर्फ 5 मिनट बचा है और आश्रम जो है अभी 12 किलोमीटर के आसपास है, पहुँच जाएंगे आराम से, रोड अच्छा है, अभी कवर कर लिए कम से कम 10 किलोमीटर। पूरा अंगूर का पेड़ है इस तरह से भाई, यहाँ पे अंगूर सबसे ज़्यादा, अगर कोई खेत में दिख रहा है तो अंगूर, और उसके बाद प्याज, और कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो भाई बहुत तेज़ लग गई प्यास, दोनों बॉटल खाली हो गया, चलते आगे पानी लेते हैं। मार्केट से लगभग 3 या 4 किलोमीटर पहले पहुँच गए हैं, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है, बोले हैं कि जो पिंपल्स मार्केट है उसके पहले ही है, और वहाँ पे क्या कहते हैं, हनुमान जी का मंदिर भी है रोड के किनारे, वहीं से रास्ता है या वहीं है आश्रम। नासिक 32 किलोमीटर, नासिक से पहले रुकना भी था, टारगेट अच्छा था, बस थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा था, मुझे लगा आज अच्छा खासा कवर कर लूँगा, नहीं हो पाया। मेन बात, खाना नहीं खाया तो कवर कहाँ से होगा, पानी का प्रॉब्लम हो गया, खाना खाता तो एनर्जी आ जाती ना, वो चीज़ नहीं हुआ। ये कहीं रामायण वामायण कुछ हो रहा है, हमको लगता है ये आश्रम होगा, कुछ ऐसा लोकेशन है भाई। 6:30 से ज़्यादा हो चुका है, लगभग 7 बजे तक यहाँ पे दिन रहता है हल्का हल्का, अभी शाम को तो अच्छा लगता है चलाने में, लेकिन रिस्क रहता है भाई बहुत, वरना धूप से अच्छा है कि शाम को चलाओ, लेकिन देख रहे हैं आप कितनी गाड़ियाँ चल रही है, और गाड़ियाँ भी थोड़ा सही से नहीं चलती है, बाइक वाले ना बहुत गड़बड़ चलते हैं, और बेमतलब को हॉर्न बजाते रहते हैं भाई, बहुत गुस्सा आता है इनके ऊपर, लेकिन क्या करें, कंट्रोल करना पड़ता है। चलिए आश्रम का पता करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अभी जस्ट मैं बात हुआ है, और मैं जहाँ पे हूँ यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर आश्रम है, जो कि रोड के जस्ट किनारे ही है, दूर नहीं है। तो हालत ख़राब हो जा रही भाई आज तो, और यहाँ पे अंजीर मेरे को बिकते हुए भी नहीं दिखा और पेड़ भी नहीं दिखा, तो हर जगह का अपना अलग अलग है। बाकी प्याज वहाँ भी था, प्याज यहाँ भी है। चलिए आगे मिलते हैं आपसे। मैं आश्रम के पास पहुँच गया, मन आश्रम और स्वामी शांतिगिरी महाराज जी का आश्रम पे पहुँच गया, अभी बाबा जी आए नहीं हैं,
बाकी मुझे परमिशन मिल गया है। आश्रम है और वहाँ पर भी सोने के मुझे जगह है, लेकिन मैं यहाँ पर टेंट लगा रहा हूँ। थोड़ा आपको पता ही है, टेंट लगा लेते हैं तो नींद थोड़ा अच्छे से पूरा हो जाता है। इधर ही टेंट वेंट लगा लेता हूँ। और उसके बाद अभी अपने दो तीन भाई आए थे, तो मैं अभी वीडियो उनके साथ बनाना भूल गया, उनसे इतना बात कर रहा था, बात में ही उलझा रह गया। तो अभी सुबह आते हैं तो उनको भी उनसे भी मिलवाएंगे आपसे, और कुछ इस जगह पे लगाएंगे टेंट। यहाँ थोड़ा लाइट वेट भी है, ठीक रहेगा। तो टेंट लगाते हैं, फिर मिलते हैं। खाना वाना खा लिए अच्छे से, और वहाँ पे अपना लग गया है टेंट। तो आपको सुबह पूरा आश्रम दिख रहा था, आश्रम है तो सुबह पूरा आपको आश्रम दिखाएंगे। तो आज के लिए बस इतना, आज बहुत थक चुके हैं, आपको पता ही है, दोपहर में खाना भी नहीं खाए थे और लगातार आज साइकिल चलाए हैं, तो अब चल रहे हैं सोने। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ भाई वीडियो को थोड़ा शेयर करो यार, शेयर किया करो आप लोग। 2000 के कराओ यार, 300 ही सब्सक्राइबर कम है, उससे ज़्यादा नहीं कम है, तो आप लोग चाहेंगे तो हो जाएगा। तो हर हर महादेव, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और महादेव आप सबको अच्छा ही रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।